अब मैंने लेदर की कुछ प्रोडक्ट यहाँ से भिजवाई तो अब यकीन करे जूते घिसके मेरे उस प्रोडक्ट को अच्छी बनवा ली सब कुछ हो गया अब जब उसको मैंने यहाँ से बाहर भेजना था यूएस भेजना था ना पूछे भाई <laughs> वो एक अल्लाह भला करे उनका नाम भी अली था दोस्त है मेरे तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी अदरवाइज वो प्रोडक्ट मेरी यहीं पे रहती है तकरीबन पचास हज़ार डॉलर की शिपमेंट थी ठीक है तो अब इतनी बड़ी शिपमेंट आप भेज रहे हो ठीक हाँ, है और आपको कोई सपोर्ट ही नहीं है जिससे जो पूछ रहे हैं हर बंदा अलग कहानी सुना रहा है हर बंदा अलग कहानी सुना रहा है।, है सपोर्ट करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं भी है।, भी है तो अब इन प्रोसेस का बेहतर होना ज़रूरी है आप भी बहुत सारे गवर्नमेंट मीटिंग्स में बैठे हैं हम भी अपनी इनपुट देते रहते हैं मीटिंग्स तो सर बड़ी होती हैं ठीक है बड़े बड़े कमरों में बुला के चाय पानी भी अच्छा कराते हैं इसी भी ठंडा किया होता है इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुंचती है और स्टेक होल्डर से पहुंचती है डायरेक्ट जो इन्वॉल्व है लोग उनसे पहुँचती है अमल क्यों नहीं होता सर जी uh, इसको मैं गवर्नमेंट uh, लेवल uh, से भी थोड़ा पीछे लेके आऊँगा मुनीर भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अनफॉर्चुनेटली चूँकि जैसे मैं बताया कि मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर रहा कि मैं कुछ ग्लोबल ट्रैवलिंग uh, की कुछ ग्लोबल बिजनेस का काम किया मैंने चीज़ें देखी तो मुझे लगता है कि हम अनफॉर्चुनेटली ना हम आज भी एक नेशन के तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं हमारे इधर अभी भी इंडिविजुअल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया हुआ है हमें ये नज़र आता है कि मैं मेरे बिलोंगिंग्स वो कितना बेहतर काम कर रहे हैं कितना बेहतर खा रहे हैं कितना बेहतर चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं दिस इज़ माई होल वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली लेकिन ग्लोबल लेवल पर जब मैं लोगों से मिला हूँ मैंने देखा कि लोग कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट में हमारे हमारा हमसा मुल्क इसके बारे में हम बहुत अच्छी फीडबैक नहीं रखते oh. लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड काम बेस का तो हमें कहीं ना कहीं सेल्फलेस होना पड़ेगा क्योंकि सेल्फलेस होने का फायदा ये होता है कि फिर आप जब इकट्ठे ग्रो करते हैं ना तो आप बहुत अरसे तक ग्रोइंग ग्रोइंग को इन्जॉय कर सकते हैं लेकिन जब एक इंडिविजुअल ग्रो करता है ना वो एक खास टाइम की बात जिलेगी को इन्जॉय करने में खत्म कर तो हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल तक पहुंचने से पहले पहले हमें अपनी इंटरनल होमवर्क बेहतर करना बड़ा जरूरी है nice. मुझे इस चीज़ को वैलुएट करना है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरा एक दूसरा जिसमें मैंने पाप आपको ट्रेक्सीफाई एक एग्जाम्पल दी ट्रैक्सीफाई एक प्रोडक्ट बनाने वाली कोई और कंपनी थी लेकिन उनके पास कस्टमर बेस नहीं था हमारे पास कस्टमर था उसको वो प्रोडक्ट चाहिए थी उसको प्रोडक्ट नहीं थी हमने वो क्लबिंग भी किया हम इस चीज़ बड़ा बिलीव करते हैं और मेरा ख्याल है अब मार्केट

निकलती है अपॉर्चुनिटी जब आप बेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेंगे ऑफकोर्स इसकी इंप्लीमेंटेशन मैसिव लेवल पे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा लेकिन वहां पे जाने से पहले ये इनिशियल होमवर्क करना बहुत जरूरी है अभी आज अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी सारी इंप्लीमेंट कर देती है इनफोर्स कर देती है तो बहुत सारे लोग वैसे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो हम उससे कैसे बचेंगे उसके लिए बेहतर ये कि हम पहले अली होमवर्क कर लें और गवर्नमेंट को भी साथ ही पुष रखें गवर्नमेंट को समझाएं बताएं क्योंकि गवर्नमेंट को अब ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि ई e कॉमर्स जो है ये एक बड़ा सॉलिड पिलर है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान को इस इकोनॉमी क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है उसको अगर आप अंडरस्टैंड अच्छे वक्त वो वो बेहतरी है।, भी, भी तो है, पूरा पूरा है और जो फाइनेंशियल क्रंच है उसको हम इस इंडस्ट्री से बहुत जल्दी चाहिए गुजराव की बात करें कराची में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बन रही हैं जो कि इंटरनेशनली हम लोग पिछले कई सालों से बेच रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान से एक सिंगल

जितना बड़ा हमारा वॉलीम हैज ए कंट्री इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके प्रोडक्ट भी जा रही हैं तो वो आप वाली बात के पहले अपने फ्लॉज को थोड़ा सा बेहतर करना होगा उसके बाद इन अली भाई बहुत शुक्रिया बड़ी डिटेल में बड़े अच्छे के बाद मुझे जो है ना मजा आया सेशन करने का कि जिसमें किसी किस्म की मुझे को तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये सारे वो चीज़ें जो डे टू डे बेसिस पे हम लोग फील कर रहे होते हैं फेस कर रहे होते हैं और ये हमारे जितने भी ई कॉमर्स की कम्यूनिटी है हमें डे टू डे बेसिस पे ये चैलेंजेस आते हैं और आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हल भी बताया और इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर एग्री भी किए वरना मोस्टली ये होता है कि इंडस्ट्री वाले मानते ही नहीं है कि नहीं हमारे तो गलती है ही नहीं देखिए गलती को मानेंगे तो सुधारेंगे ना उसको तो जब हम मानेंगे ही नहीं तो फिर तो जाहिर है आगे कुछ हमारे पास गैप नहीं में लास्ट में ये चीज कहना चाहूँगा जैसे मैं कहता हूँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको आपको पांच साल दस साल पंद्रह साल पुरानी कंपनीज नजर नहीं आती उसकी वजह यही है कि हम लोग शॉर्ट टर्म काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए बड़ा जरूरी है कि हम मिल के जब मिल वो हमारा मजहब भी यही कहता है हमारा रिलीजन भी यही कहता है कि मिल बांट के जब खाते हैं ना तो वो अल्लाह तक बरकत का सिस्टम है तो बरकत के लिए बड़ा जरूरी है कि जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट Except और और के लिए है। और है। वो एक बड़ी कॉमन सी बात होती है कि जो गलती हमने आज की ना उसको दोबारा रिपीट ना करें ना तो उसका मतलब आप सही ट्रैक पे ट्रैक अगर वही रिपीट इधर रिपीट करते जाएंगे तो फिर चीजें कभी भी बेहतरी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत अच्छे फेज पे है और हमारे पास बहुत अच्छी ऑपॉर्चुनिटी है हम एक बड़ी फर्टाइल एक लैंड में हम जिंदगी गुजार जब हमें हम चार मौसम एंजॉय करते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सी जगहों पे ये आपको फ्लेवर्स नहीं मिलते जी जी तो हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है तो अब उसको सिर्फ कनेक्ट करना है अच्छी एनर्जीज़ को कनेक्ट करके अगर हम चलेंगे हम पार्टनरशिप से बिलीव करेंगे हम मिल एफ़र्ट करने की अगर

टुगेदर विल ग्रो क्योंकि Inshallah. ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है हमारी की इंडस्ट्री और आपकी जो इंडस्ट्री है ये दोनों आपस में जब तक सिंक नहीं होंगे ना तो सर फिर बस ये रोने रोने चलते रहेंगे ठीक है तो इनशाला उम्मीद बड़ी है कि आने वाले चंद सालों के अंदर ही ये इंडस्ट्री फ्लॉश करेगी Inshallah. सेलर भी मिच्योर होगा बायर भी मिच्योर होगा और बीच में जो आप लोग पिलर है एज एलॉजिस्टिक आप लोग भी मिच्योर हो